टीम सऊदी की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम अगले सप्ताह अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलने के लिए गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गई है। 2021 के विश्व टेस्ट चैंपियन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह 5:40 पर उतरे और सीधे ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो गए, जो अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए उनका स्थल है। अफगानिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच 9 सितंबर को शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरुआत होगी। बता दें कि अफगानिस्तान में फिलहाल तालिबान का राज है, ऐसे में वहां पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हो सकता है। इसी को लेकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से मदद मांगी थी और भारतीय बोर्ड ने टीम को पूरी सहायता देने का फैसला किया। इस पार्टनरशिप के तहत ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाली है।